हो गए राजीव राय, क्या आने वाली त्रिदेव 2 का डायरेक्शन कोई और करेगा? किसको देखने के लिए लगती थी थिएटर्स के बाहर भीड़? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं त्रिदेव 2 मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आजकल की फिल्मों में बोल्ड सीन होना बेहद आम बात हो गई है, पर 90s के दशक में किसी भी अभिनेत्री का बोल्ड सीन देना काफ़ी बड़ी बात मानी जाती थी। ऐसे ही एक हीरोइन की लाइफ पर बनी फिल्म द डर्टी पिक्चर में विद्या बालन को सिल्क स्मिता के किरदार की कहानी तो आप सब ने देखी ही है। ऐसी ही एक अदाकारा रही बॉलीवुड की 90s की हीरोइन, जिन्होंने आते ही दिए जबरदस्त किसिंग सीन्स। त्रिदेव की अदाकारा सोनम ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1988 में आई फिल्म विजय से की थी। पहली ही फिल्म में उन्होंने जबरदस्त किसिंग सीन दिए और इसी के बाद से उनकी गिनती बोल्ड एक्ट्रेस में होने लगी। ये फिल्म काफ़ी सुपरहिट भी रही। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोनम की फिल्म मिट्टी और सोना को देखने के लिए लोग घंटों लाइन में लगकर फिल्म की टिकट खरीदते थे। उनके बोल्ड सीन देखने के लिए थिएटर्स के बाहर लाइन लग जाती थी। हालांकि शादी के बाद सोनम ने फिल्मों से दूरी बना ली और वो अपने पति के साथ विदेश जाकर रहने लगी। और उनके पति और कोई नहीं, त्रिदेव फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय थे। साल 1990 में सोनम और राजीव राय ने शादी कर ली थी। त्रिदेव, मोहरा, विषमता, गुप्त जैसी बेहतरीन 90s की फिल्में राजीव राय ने ही दी थी उस इंडस्ट्री को। वहीं एकदम से राजीव राय बॉलीवुड से यूं गायब हुए कि 15 साल तक उनका कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद राजीव राय ने वापस से कमबैक किया फिल्म असंभव से, पर वो फिल्म भी नहीं चल पाई और उसके बाद ही डायरेक्टर के पिता की डेथ हो गई, जिसके वो वापस से इंडस्ट्री से एक बार फिर गायब हो गए। और सुनने में आया कि सोनम और राजीव का डिवोर्स भी हो गया है। अब ऐसे में रिसेंटली एक इंटरव्यू में राजीव राय ने कहा है कि उन्होंने कई आइडियाज के साथ एक नई फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखी है। ऐसे में गुप्त और त्रिदेव फिल्म के सीक्वल पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सीक्वल फिल्मों पर काम नहीं कर रहे हैं और वो कुछ फ्रेश और आज के ज़माने की फिल्म जल्द ही लेकर आ रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। वहीं जहाँ पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि जल्द ही त्रिदेव 2 आ रही है, ऐसे में अब राजीव राय के इस इंटरव्यू ने तो पूरी इक्वेशन ही बदल कर रख दी है। तो ऐसे में कौन सा डायरेक्टर करेगा त्रिदेव जैसी एक्शन ड्रामा फिल्म के सीक्वल को डायरेक्ट? अब त्रिदेव 2 किसी को पता नहीं है कि सीक्वल होगी या रीमेक, लेकिन अगर रीमेक हुई तो काफ़ी चांसेस है कि ये एक रीमेक प्लस एक्शन फिल्म होगी। तो ऐसी फिल्में तो एक ही इंसान डायरेक्ट कर सकता है और वो है वन एंड ओनली रोहित शेट्टी। पर इसे अभी सिर्फ एक रूमर बताया गया है, लेकिन रूमर कब असलियत बन जाए किसको मालूम है। क्या पता जल्द ही इस पर भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। देखते हैं अब इस बेहतरीन फिल्म का सीक्वल या रीमेक की घोषणा कब होती है और कौन इसे बनाने का जिम्मा अपने कंधे पर लेता है। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस आने वाली फिल्म किसके द्वारा डायरेक्ट करवाना चाहते हैं। और इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियो।